हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंसा व्लॉग्स। तो लास्ट एपिसोड में हमने खलिया टॉप देखा था और आज कुछ नए प्लेसेस विजिट करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंसियारी। कल हमारा खलिया टॉप का ट्रैक खत्म हुआ और कल शाम को हम मुंसियारी वापस पहुंच गए थे। अब आज हमें मुंसियारी से अलमोरा बाई टैक्सी जाना है। इस वक्त 7:30 हुए है और अराउंड 8 o'clock हम ब्रेकफास्ट करके अलमोरा के लिए निकल जाएंगे। रास्ते में हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिल सकती है। एक है बर्थी फॉल्स, दूसरा है पाताल भुवनेश्वर केव और तीसरा है अलमोरा के बिल्कुल नज़दीक में गोलू देवता का मंदिर। लेकिन शायद पाताल भुवनेश्वर मंदिर में मोबाइल या कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने आगे के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, जिसमें आप मार्टोली थाच, रूट खान और खलिया टॉप के ट्रैकिंग की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल। मुंसियारी से अलमोरा जाते हुए रास्ते में सबसे पहले आता है कालामुनी टेम्पल। मुंसियारी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का काफी पॉपुलर टेम्पल है। यहाँ पर शिव जी और हनुमान जी का टेम्पल भी है। कहते हैं कि हर साल मुंसियारी में सबसे पहले बर्फ यहीं पर गिरती है। नेक्स्ट प्लेस जो हम विजिट करने वाले हैं वो है बर्थी फॉल्स, जो कि मुंसियारी से अलमोरा वाले रास्ते में ही आता है और ये सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लेकिन हमारे ग्रुप मेंबर का अलमोरा जल्दी पहुंचना जरूरी था, इसलिए हमें ये प्लेस स्किप करना पड़ा। तो यहाँ पर आप बर्थी फॉल दूर से देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको रास्ते से थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर जाना है, जो कि काफी इजी ट्रैक है और फॉल्स की हाइट है करीब 400 फीट। यहाँ का बहुत ही पॉपुलर विजिटिंग टूरिस्ट प्लेस है। तो चलिए नेक्स्ट हम विजिट करेंगे पाताल भुवनेश्वर टेम्पल, जो कि गंगोली हाट से 14 किलोमीटर और बेरी नाग से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका उल्लेख हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में किया गया है, मानस खंड के 103वें अध्याय में। इनके दर्शन का पुण्य चार धाम के दर्शन के पुण्य के बराबर माना जाता है। करीब 90 फीट डीप और 160 मीटर लंबी गुफा है और कहते हैं यहाँ से एक रास्ता माउंट कैलाश की ओर जाता है और अंदर से गुफा चार धाम से भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार है, जिसमें से धर्म द्वार से गुफा में आगे जाते हैं और मोक्ष द्वार से ही बाहर निकलते हैं। पाप द्वार रावण की मृत्यु के साथ और रण द्वार महाभारत युद्ध के तुरंत बाद बंद हो गया था। कलयुग के द्वार 1000 साल में राय के बराबर बंद हो रहा है और जिस दिन ये बंद होगा पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा जी, शिव जी की जटा, शेषनाग, वासुकी नाग, हवन कुंड, शिव जी का कमंडल, गणेश जी का ओरिजिनल शीर्ष और उसके ऊपर उनकी रक्षा करता हुआ कमलगट्टे का फूल, सप्तऋषि, ऐसी बहुत सारी लाइमस्टोन से बनी हुई देवी देवताओं की मूर्तियां है। यहाँ पर वृद्ध भुवनेश्वर और पाताल भुवनेश्वर की गुफा ऐसे दो मंदिर है,
तो पुराणों के द्वारा गुफा मंदिर से पहले आपको वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर विजिट करना चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर जाइए और मंदिर के बिल्कुल सामने बहुत सारी पुरानी मूर्तियां रखी गई है। इन मूर्तियों के बिल्कुल पास में एक टेम्पल है, उसे विजिट करने के बाद आप गुफा विजिट करने के लिए जा सकते हैं। तो गुफा सबसे पहले त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने ढूंढ निकाली थी। यहाँ पर फोन कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसे आप टोकन लेकर बाहर ही सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर समर और विंटर में टाइमिंग्स भी डिफरेंट रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अस्थमा वाले लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज गुफा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम है। तो ऋतुपर्ण के बाद द्वापर में इन्हें पांडवों ने और कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने ढूंढ निकाली थी, और तब से लेकर 20 पीढ़ियों से इसकी पूजा भंडारी फैमिली के कुछ पुजारियों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर है गुफा का एंट्रेंस, और यहाँ से करीब 100 लोगों को एक साथ गुफा में भेज दिया जाता है, और पूरी गुफा घूमने में आपको करीब 1 घंटे का टाइम लग सकता है। कहते हैं पांडवों हिमालय की ओर स्वर्गारोहण से पहले यहाँ शिव जी के सामने आखिरी बार ध्यान में बैठे थे। गुफा के बाहर ऐसे बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर आपको ऐसे फोटो फ्रेम्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक फ्रेम है जिसमें आप हवन कुंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कलयुग और ब्रह्मा जी का हंस देख सकते हैं। इसे आप यादगिरी के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं। अल्मोरा में एक टेम्पल है गोलू देवता का मंदिर, जो कि बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है। अल्मोरा जाते हुए बिल्कुल नज़दीक में ही शुरुआत में ही आता है। हम वहाँ पर नहीं जा पाए बिकॉज हमें पाताल भुवनेश्वर मंदिर विजिट करने में करीब 2 घंटे लग गए थे। तो जब हम अल्मोरा पहुँचे हमें 9 o'clock हो गए थे नाइट में। उस टाइम पर मंदिर बंद हो गया था, इसलिए हम विजिट नहीं कर पाए। आप जा रहे हैं तो अगर आप मुंसियारी से सुबह जल्दी निकलेंगे तो अल्मोरा पहुंचकर गोलू देवता का मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे भीमताल, जो कि इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।